वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरिया जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पटना के स्टेडियम ग्राउंड में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस बीच उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट भाजपा जीतेगी। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस की घोषणा को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर राज्य की जनता कभी विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि 2018 से 2023 के बीच में कांग्रेस जनता से किए वादों पर विश्वास खो चुकी है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। योजना में 2 महीना का किस्त भेज चुके हैं और रामलला दर्शन योजना भी चालू कर चुके हैं। तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा इसकी सरकार घोषणा कर चुकी है। तो इस आधार पर और अभी जो 2 चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं, पहला चरण में बस्तर और कल 3 लोकसभा का, और अच्छा मतदान भी हुआ है और अच्छा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान भी लोगों का है, तो निश्चित रूप से 11 की 11 सीट जीतेंगे। और आपने जो 1 लाख रुपये की बात कही, कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। 18 में भी एक बहुत बड़ा विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के प्रति की थी, 5 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया 36 वादा करके। तो इस तरह से जनता के विश्वास से बिल्कुल पार्टी मतलब गिर चुकी है और अब वो कुछ भी कर लें, कितनों का भी फार्म भरा लें, अब जनता विश्वास करने वाली नहीं है।